हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आपको पता ही, हमारी JKSSB पटवारी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें 2 फुल मॉक टेस्ट और बाकी सेक्शनल मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। और आज का जो मॉक टेस्ट रहने वाला है, ये एक सेक्शनल मॉक टेस्ट रहेगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न, ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री का एक मॉक टेस्ट बनाया गया है, 20 मार्क्स का, जो JKSSB पटवारी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। और आप इसमें अगर 17+ स्कोर करते हो तो अच्छा स्कोर है। और आप ये भी बताना कि अलग अलग टॉपिक, जैसे कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, रिवर्स एंड लेक्स, जितने भी GK में पार्ट्स हैं, उन सभी पे वीडियो बनाई जाए क्या। तो अभी हिस्ट्री ऑफ इंडिया की वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्रीकल्चर इज द साउल ऑफ इंडिया, हु हैज़ गिवन दिस स्टेटमेंट। जो एग्रीकल्चर है, ये साउल है इंडिया का, ये स्टेटमेंट किसने दी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर अगर आपने दिया है बी, महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द गांधी इरविन पैक्ट वाज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स ऑफ इंडिया। गांधी इरविन पैक्ट किस से रिलेटेड है, ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर रहेगा बी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और अभी आपको एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, गांधी इरविन पैक्ट ये कब साइन हुआ था। अगर डेट किसी को भी एग्जैक्टली पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर दो, जो सबसे पहले करेगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सिंपल सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, एनी बेसंत। क्वेश्चन नंबर 4, हु इस्टेब्लिश द आत्मीय सभा ए प्रीकसर इन द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन बंगाल। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, औरबिंदो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज द गदर जर्नल वाज फर्स्ट पब्लिश। कौन सी लैंग्वेज में गदर जर्नल जो है ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, पुश्तू। राइट आंसर इसका रहेगा ए, उर्दू। ये क्वेश्चन जो ऊपर पूछा गया वही है, इन विच ईयर राजा राम मोहन राय एस्टेब्लिश्ड आत्मीय सभा इन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन बंगाल। ये कब हुई थी इसकी स्थापना, ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर अगर इसका दिया आपने बी तो बिल्कुल सही, बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, हु रोट द बुक नील दर्पण। नील दर्पण नाम की बुक जो है ये किसने लिखी थी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, दीनबंधु मित्रा या नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है इसका सी, दीनबंधु मित्रा जो थे इन्होंने लिखी थी बुक, नाम जिनका था नील दर्पण बुक का नाम। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट न्यूज़पेपर टू अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन July 6, 1905। स्वराज, संजीवनी, कालांतर, आनंद बाजार पत्रिका। तो राइट आंसर इसका रहेगा बी, संजीवनी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको कहा जाता था, ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर इसका रहेगा सी, खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता था फ्रंटियर गांधी। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन द INC वाज फाउंडेड इन 1885। तो ये क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर कौन देता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे, ब्रिटिश इंडिया के कौन थे जब INC बनी थी, कैनिंग, डफरिन, रिपन द लाइटन। राइट आंसर रहेगा बी, लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द वाइसरे व्हेन एटली डिक्लेयर इंडिया इंडिपेंडेंस। वाइसरे कौन थे जब एटली ने डिक्लेयर किया था इंडिया का इंडिपेंडेंस 1947 में। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर रहेगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन। अब ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, आप एक बार इसको देखो और नीचे ऑप्शन भी दिखे हैं, वीडियो पॉज करके देखो। ये देखो, रामकृष्ण मिशन जो है सिंपल है, ये स्वामी विवेकानंद, 1 का 4, 1 में 4 सिर्फ डी में है। तो राइट आंसर डी अगर आपने दिया इसका तो सही है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे, ए, बी, सी, डी। राइट आंसर है इसका सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बोथ ए एंड बी। दी सिंह सभा मूवमेंट फाउंडेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। सिंह सभा जो मूवमेंट थी ये कौन से जगह पे फाउंड की गई थी। राइट आंसर इसका रहेगा ए, अमृतसर। जो सिंह सभा मूवमेंट थी ये फाउंड की गई थी अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर है सी, 1923।
क्वेश्चन 16, हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? डी राइट आंसर है इसका, दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। महात्मा गांधी जी स्टार्टेड इज दांडी मार्च फ्रॉम, महात्मा गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था उनका दांडी मार्च? दांडी, पोरबंदर, साबरमती या अहमदाबाद? तो राइट आंसर रहेगा सी। कौन सा फॉलोइंग न्यूज़पेपर है जो एनी बसंत ने स्टार्ट किया था? दी हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दी टाइम्स ऑफ इंडिया या न्यू इंडिया? डी, हरिजन नाम का न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था? ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रियल फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रियल फाउंडर कौन थे? राइट आंसर है इसका बी, सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रीटी साइंड बिटवीन द इंग्लिश एंड सिराज उद दौला इन जनवरी 1757? क्या राइट आंसर रहेगा? लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, तो ये है ट्रीटी ऑफ अली नगर, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो आज का हमारा जो मॉक टेस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का था, ये 20 मार्क्स का, ये खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से जल्दी 3K करवा दो भाई लोग, तो जल्दी से जल्दी 3K करवा दो और इसको सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह की आपको आप कौन सी वीडियो नेक्स्ट चाहिए, सेक्शनल चाहिए या फुल मॉक टेस्ट चाहिए, जो भी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता दो, वो आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको जो भी मैं डालूंगा वीडियो उसके PDF मिल जाएंगे। उस पे अभी मैं PDF डालने वाला हूँ, फुल मॉक टेस्ट पटवारी जो हमने डाला था उसका PDF डालने वाला हूँ, फिर आप उसको अच्छे से तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होने चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता दो। और भाइयों प्लीज़ सपोर्ट करो, सपोर्ट की ही ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।